हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं मुल्ला कुकिंग किचन में। आप सबका तो आप सब ठीक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हमारे घर पर रेसिपी बनने वाला है, वो है तेलापिया फिश और करेला। तो आप लोग को बताती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है। दो कांदा, दो हरी मिर्ची, तीन बटाटा, दो टमाटर, 200 ग्राम करेला, 200 ग्राम तेलापिया फिश। जो मसाला दिख रहा है, मसाला सब दिख रहा है, इसमें पहले से मैरिनेशन करके रख दिए थे। नमक वमक सब डाल के रखे। पहले एक कप तेल डाल के इसको फ्राई कर लेंगे, आलू फ्राई कर लेंगे। आलू में थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल देते हैं, और अभी नमक डाल देंगे। नमक निकाल लेंगे। मैं आलू फ्राई करें तो उसी में थोड़ा सा तेल डाल के अब करेला फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा, हरा भरा। करेला फ्राई हो गया, करेला निकाल लेंगे। करेला फ्राई हो गया, देखो ये आलू हो गया, करेला फ्राई हो गया। करेला बनाने के लिए तेल डाल लेंगे। 2 कप ऑयल जो कट कर रखे थे वो हरी मिर्च चला गया। अभी आलू फ्राई करके वो चला गया, फ्राई करके वो चला गया। करेला आलू एकदम फ्राई वाला है ना। आप लोग कांदा मिर्ची के साथ भूनोगे ना तो और टेस्टी हो जाएगा। उसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इस तरह से मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे। पूरा कट कर रखेंगे तो वो डाल देंगे। पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालने का, थोड़ा सा खाली, क्योंकि इसकी पानी से पकेगी तभी टेस्ट होगा। तो ज़्यादा पानी डालोगे तो इसकी जो मच्छी का जो खुशबू है ना पूरे करेला में लग जाएगा तो बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन पानी दो गया बेकार, अच्छा मसाला खराब हो जाएगा, करेला खराब हो जाएगा, मतलब टेस्ट नहीं रहेगी। देखो तैयार हो गया, एकदम तैयार हो गया पूरा। माशाल्लाह कितना मस्त लग रहा है तेलापिया फिश और करेला का रेसिपी। चलो प्लेटिंग है ना, ये ऐसा पकड़ेगा ना करेला का और टेस्टी लगता है। प्लेटिंग कर लेंगे अभी। बिस्मिल्लाह। ठीक है, स्टाइल का तेलापिया और करेला की भाजी, करेला का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा? फिश और करेला की भाजी के साथ रेसिपी तैयार हो गया। तो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो आप लोग इसको चावल के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छी जो फिश ने हमें एकदम पूरे तरीके से फ्राई कर लिया, इसलिए पानी डालते ना करेला में वो एकदम बेकार हो जाता। अभी जो तरी वाला खा सकते हैं, जो सूखा भी खा सकते हैं। तो मैंने सूखा बनाया तो आप लोग को जैसा खाने को मन किया, जैसा बनाने को मन किया आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलो वीडियो दर्शन करती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।